हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर पवन चौहान एक बार फिर से आपके सामने चर्चा के लिए हाजिर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये हमारी चर्चा हमारे होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक सिस्टम से ही रिलेटेड है, रहती है। वो बात अलग है कि चूंकि ये नेचुरल फिनोमिना को का अनुपालन करता है या उसमें उसके नियम इसको इसमें देखने को मिलते हैं। साथियों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और मैं समझता हूं कि आप बड़े सिंसियरली उनको महसूस करेंगे और उनका जवाब ढूंढेंगे। साथियों, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्या हम में से कोई भी ऐसे एरोप्लेन में फ्लाइट लेगा जिसके बारे में हमें पता हो कि भाई पायलट ने एयरक्राफ्ट मैनुअल नहीं पढ़ा है पूरे से सही से? मींस फ्लाइट के रूल्स, लैंडिंग के रूल्स वगैरह वगैरह उसने सही से नहीं सीखे हों। दूसरा सवाल मेरा दोस्तों ये है कि क्या हम ऐसी सुरक्षा का कवच लेना चाहेंगे जिसके सुरक्षा कर्मी ने कभी भी वेपन मैनुअल ना पढ़ा हो कि भाई हथियार कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, कौन सा कहाँ यूज करना है। तीसरा सवाल दोस्तों मेरा ये है कि क्या हम ऐसे फायर ब्रिगेड से किसी इमरजेंसी में किसी शहर में या कहीं भी अगर आग लग गई, हम ऐसे फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे जिसके कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी मैनुअल ना पढ़ा हो? मीन्स कैसे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं? साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी तरफ से कि हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई सबका एक ही जवाब होगा कि भाई जीवन का सवाल है, लाइफ का सवाल है, जो हमारे लिए सबसे कीमती है हर एक जीवधारी के लिए। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने खुद कहा है कि वी आर डील विद ए मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ ए पर्सन, दैट इज लाइफ। साथियों, आपका मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक सिस्टम का जो मैनुअल है वो बनाया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। साथियों, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वो लिटरेचर है जो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने, जिसमें होम्योपैथिक में कहाँ कैसे अप्रोच करना है, कहाँ कैसे हमें कमांड करनी है, कहाँ कैसे हमें आगे बढ़ना है, किस तरह का डिजीज है, हम कौन सी पावर मेडिसिन की देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कब रुकना है, कब चलना है। दोस्तों, बिना ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की स्टडी किए बिना प्रैक्टिस करना बिल्कुल उसके इक्वल होगा जैसे कि एक पायलट बिना एयरक्राफ्ट मैनुअल की स्टडी करे बिना प्लेन को उड़ाने लगे। आप समझ सकते हैं उस प्लेन का क्या हश्र होने वाला है, उसके यात्रियों का क्या हश्र हो सकता है। वो लैंड भी कर सकता है और बस कहीं और भी जा सकता है। साथियों, मैं अपने अंदर से मैं आपको महसूस करते हुए बात कर रहा हूं कि बिना होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक सिस्टम के मैनुअल के पढ़े बिना हमें किसी की लाइफ से खेलने का कोई अधिकार ही नहीं है।
साथियों, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने जब ये सिस्टम बनाया तो हम लोग और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने साथ साथ ये होम्योपैथी का मैनुअल भी बनाया, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका इसकी तरफ ले चलते हुए मैं कुछ चर्चा करूंगा कि साथियों, जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि पहला एडिशन जो है वो 1810 में आया और जिसका नाम बेसिकली शुरू में था ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट। दूसरा एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का आया 1819 में। साथियों, पहले एडिशन से दूसरे एडिशन में आने के बाद ही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन नाम चेंज हुआ। पहले फर्स्ट का नाम था द ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट। साथियों, तीसरा एडिशन आया 1824 में। नेक्स्ट फोर्थ आया 1829 में। फिफ्थ आया 1833 में। दोस्तों, हैनीमैन साहब ने फिफ्थ एडिशन में फिर से इम्प्रूवमेंट करते हुए सिक्स्थ एडिशन की मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी थी वो 1842 में तैयार कर दी थी। लेकिन सबको जाना होता है दोस्तों, हैनीमैन साहब 1843 में उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के मैनुअल को पूरा कर गए। और साथियों, फिर काफ़ी समय बाद वो मार्केट में आया प्रिंट आउट होके 1921 में। साथियों, जब हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का सिक्स्थ एडिशन तो फर्स्ट पेज में ही हैनीमैन साहब ने ये लिखा कि भाई, अपने पब्लिशर को लिखा कि इसको इतना अच्छा से प्रिंट करना कि संभवतः ये लास्ट ही होगा, ये नियर टू परफेक्ट है, इसलिए ये संभवतः लास्ट ही एडिशन होगा इस मैनुअल का, इस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। साथियों, कई लोग सवाल उठाते हैं कि भाई वो तो बाद में छपा है, पता नहीं ओरिजिनल है भी या नहीं है। तो इसका आंसर भी सिक्स्थ एडिशन के फर्स्ट पेज पर ही मिलता है, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन साहब ने अपने फ्रेंड, अपने कंटेम्प्रेरी मित्र को डॉक्टर बॉनिंग हसन साहब को एक लेटर में लिखा और कहा कि भाई, मैंने काफ़ी मेहनत करते हुए कई कई घंटे थर्सडे और संडे को समय निकाल के, बाकी दिन मेरे को पेशेंट देखने थे, मैंने इस पर काम किया और 18 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैं इसको पूरा कर लिया हूँ। साथियों, आज केवल मेरे को इस चर्चा में आपको केवल यही मैसेज देना है, इसके आगे हमारी अब चर्चा इस पर चालू रहेगी कि साथियों, विदाउट ऑर्गेनन होम्योपैथी इज जस्ट लाइक दैट ए डे विदाउट सन। बिना सूर्योदय के हुए आप दिन की जैसे कल्पना कर सकते हो, वैसे ही बिना ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की स्टडी के आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की सोचना। साथियों, अपने शब्दों को यहीं में विराम देते हुए, आज की चर्चा को यहीं पूरा करते हुए, आगे की चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। आज केवल मेरा यही कहना था, आप स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए,
दोस्तों मेरा एक मैसेज हमेशा रहेगा कि ग्रुप में स्टडी करना, दोस्तों के साथ स्टडी करना, विचार साझा करना बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों आप पर सरस्वती माता की कृपा बनी रहे, हम सब पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्ते।